आसाराम बाबू के ऊपर बिल्कुल मैं मानती हूँ झूठा आरोप लगा है। बापूजी मेरे को पता ऐसा नहीं कर सकते, उनके ऊपर बिल्कुल ये चीज गलत बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा कि ये गलत उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया और इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। संतों को टारगेट करना इनके पीछे बहुत बड़ी साजिश है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कि बापू जी को कैसे टारगेट किया जाए। उनके पास और तो कोई चारा नहीं था, ना वो शराब पीते थे, ना वो सिगरेट पीते थे, ना कुछ ऐसा करते थे। उनके पास एक ही हथियार था कि इस बापू को कैसे पकड़ा जाए। वो एक लड़की को लाकर खड़ा कर दिया और बोल दिया कि ये बापूजी लड़की के साथ गलत करते थे और लड़की से बयान दिला दिए। सबसे पहले आप उस षड्यंत्र को समझिए जो आसाराम बापू के खिलाफ इस देश में हुआ था। आसाराम बापू ने कोई बलात्कार नहीं किया, उन्हें फंसाया गया था और उन्हें फंसाने के लिए कानूनों को पहले बदल दिया गया था। पहले भारत के कानून में ये था कि जिसने मतलब जो बलात्कार, वो थोड़ी अश्लीलता की उसमें आ जाएगी अगर मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताऊं तो, मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन कानूनों को बदल कर आज आसाराम बापू को जेल में भेजने के लिए किसी मेडिकल की जरूरत नहीं हुई, किसी चीज की जरूरत नहीं। सब प्रमाण है कि आसाराम बापू ने उस महिला को टच नहीं किया, उस बच्ची को टच नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जेल में है, उन पर इतने सारे चार्ज थोप दिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था जिसमें उस समय के सबसे बड़े सत्ताधारी इन्वॉल्व थे। नरेंद्र मोदी जो आज भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी पर हैं, इसमें आसाराम बापू जी का बड़ा परिश्रम है। तो बहुत बड़ा षड्यंत्र बुना गया था, उसमें बहुत सारे मीडिया वाले थे, पूरा ड्रामा क्रिएट हुआ था। और इन लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है, बापू जी इनको भले ही क्षमा कर दें लेकिन परमात्मा माफ नहीं करेगा। इसमें प्रचार तंत्र का भी सहयोग है, नैतिकता कम काम कर रही है, राजनैतिकता ज्यादा काम कर रही है। आसाराम बाबू का सारी दुनिया में नाम है, आज भी है, और उसको कलंकित करने के, बदनाम करने के लिए, उसके साथ साधु समाज को बदनाम करने के लिए ये सारी कुचेष्टाएं की गई हैं। तो मैंने पहले कहा जिनके पास सत्ता होती है अगर वो गधा है तो वो शेर हो जाता है, तो ऐसे ही गधों की वजह से आसाराम बापू पर मेहरबानी हुई उन्होंने जेल में। कुर्बान हो जाऊंगा, शूली चढ़ जाऊंगा, लेकिन हिंदू धर्म की सेवा मैं नहीं छोड़ता। जो वेद पुराण की नीति सिखाते थे उनको जेल में डाल दिया गया, उनको बलात्कारी बता दिया गया, उनको चोर चक्का बदमाश बता दिया गया, और जो व्यभिचारी लोग हैं वो तख्ते पे राज कर रहे हैं। इस देश में संतों का अपमान होता है, उस देश का जो है बहुत हानि होती है, उस देश का राजा सही नहीं रहता, उसकी बहुत ही दुर्गति होती है। तो ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए राजनेता, बड़े बड़े अधिकारी, लोगों को समझना चाहिए कि हम पाप की दिशा में जा रहे हैं कि पुण्य की दिशा में जा रहे हैं, हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं और हम खुद कहाँ जा रहे हैं। कोरोना काल में बड़े से बड़े जो अपराधी थे उनको भी पैरोल दी गई। बापू जी को इतना अस्वस्थता होने के बाद भी उन्हें एक दिन की भी बेल नहीं दी गई। सरकार ने आसाराम बापू जी के साथ घोर अन्याय किया है। बापू जी जेल में इसलिए हैं कि वो धर्मांतरण के विरुद्ध अकेले दम पे खड़े हुए थे, वो भारतीय संस्कृति की सेवा कर रहे थे निस्वार्थ भाव से। इसमें ईसाई मिशनरियों का पूरा खेल है, ईसाई मिशनरी जो है बापू को जेल में इसलिए पहुंचाई कि बापू अकेले दम पे खड़े हुए थे। आज मेरे बापू यदि दोषी रहते हैं तो क्या यहाँ के कोलकाता के पुलिस क्या परमिशन देते हैं? नहीं देते करने के लिए। लेकिन पुलिस वाले लोग भी जानते हैं कि हमारे बापू को फंसाया गया है, क्योंकि जब बापू जेल में गए थे जिस दिन उनको केस उठाकर ले गया गया था उस दिन एक आईसी ऑफिसर यहाँ के कोलकाता के, उनकी जो मिसेस है वो दीक्षा ली थी, बंगाली थी, उनके पति आकर उनको बोले तुम्हारे बापू के ना खूब षड्यंत्र भाषण हुए थे, उन्हें तातारी बेरोबेन ना, उसी दिन बोला जिस दिन बापू को उठाकर लेकर गया। तो शर्म की बात है मोदी जी और अमित शाह को कि जिस राज्य के वो हैं और वहाँ के संत के ऊपर इतनी घिनौना बदनामी दिया गया है और वो लोग आँख फाड़ कर देख रहे हैं। आसाराम बापू एक षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। हल यदि हम हल है, इसका हल है श्रीमद् भगवद गीता। रक्षा की जिम्मेदारी मेरी थी, रक्षा की जिम्मेदारी आपकी थी, रक्षा की जिम्मेदारी इन बच्चों की थी। राक्षसों का काम था ऋषि मुनियों को खा खा कर उनकी हड्डियां फेंक देना। भगवान राम जब वन में गए थे तो उन्हें ये बताया गया कि राक्षसों ने जिन ऋषि मुनियों को खा खा कर उनकी हड्डियों को फेंक दिया है, तो आज उनकी हड्डियों के जो ढेर हैं ये पहाड़ जैसे लगने लगे। तो भगवान शपथ लेते हैं, निश्चरहीन करहु मही भुज उठाए पनकीन, और सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। जहाँ भी ऋषि मुनियों के आश्रम थे और राक्षसों ने परेशान करते थे वहीं गए, वहीं राक्षसों की हत्या की, उनका वध किया, क्योंकि ऋषि मुनियों को बचाना हमारी ड्यूटी थी। दुनिया में सबसे बड़ा जो पाप है वो कमजोर होना है। जो हवा
प्रचंड अग्नि को फैला देती है और प्रचंड कर देती है, छोटे दीपक को वो ही हवा बुझा देती है।